क्लास में हमने वर्ब को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था। आज हम लोग मेन वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में बोला था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ओके, तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का कितना इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग आज इस व्यू में इस क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए ना जानते हैं कि सर वर्ब के कुछ और फॉर्म होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। हम लोग जानते हैं कि मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब जैसे जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, क्या बोलते हैं मुख्य क्रिया, इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी मेन वर्ब को ही, याद रखना हेल्पिंग वर्ब को नहीं, मेन वर्ब को दो भागों में बांटा है, एक है ट्रांजिटिव और दूसरा है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब कहते हैं कि सब ट्रांजिटिव को पहले उठा के लाते हैं, तो चलिए लाते हैं सकर्मक क्रिया को। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, अगर जो क्रिया ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हुआ, यानी वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा, याद रखना है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, कोई दिक्कत। और सेकेंड एकदम यहाँ पे चलिए, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी केवल वर्ब ही रहेगा, बस ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है इससे, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंट्रांजिटिव। ओके, मैंने बस यहाँ पे बिना एग्जाम्पल के इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में चले आए और आसानी से आप वर्ब को पकड़ सकते हैं। अगर वर्ब में जैसे हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट तो रहता ही है, रहता है ना, वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब केवल रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। दिक्कत क्या बोलिए, बस यही है इस क्लास का मेन थीम। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले बच्चा से, बाबू तुम इसको पढ़ना है, ये क्या है और इसमें वर्ब कौन है, पहले तो इंग्लिश में पढ़ना है, फिर उसका वर्ब बताना है, फिर उसका हिंदी बताना है, तीन चीज क्लियर हो गया सब स्टूडेंट को। पहले इंग्लिश पढ़ना है, फिर वर्ब बताना है कौन वर्ब है, ऑब्जेक्ट कौन है, और फिर उसके बाद इसका हिंदी कर देना। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताइएगा। चलिए थोड़ा सा और क्लास को अपडेट कर देते हैं थोड़ा अच्छा से, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चलिए आप बताइए तो क्या है बाबू, ठीक है, बहुत बढ़िया, आई हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया इट, मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। ये कौन सा ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्या लेके आता है, ऑब्जेक्ट लेके आता है, तो ऑब्जेक्ट तो है तो ये तो ट्रांजिटिव बन गया, ठीक है। इसका हिंदी क्या करेंगे, मैं आम खाता हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट है आपसे, आई रीड दिस बुक, ओके, मैं यह बुक पढ़ रहा हूँ, आई हो गया पढ़ती हूँ, आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, इट रीड हो गया ये वर्ब, ठीक है, और बुक हो गया, ठीक है, और ये हो गया ट्रांजिटिव, और ये टीवी हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। आपसे तीसरा नंबर, आई हेट यू पढ़ता है, हैट यू नहीं पढ़ता, आई हेट यू क्या भगवान, वहाँ पे कुछ और था इसको हम बदल दिए, अब वहाँ पे अगर मैं जैसे व्यथी था वो वाला समझ जाइए, इसका ऑपोजिट कर लीजिए वो था, तो वो लिख देते तो फिर आप कहते कि सर अब पूछेंगे किसी से तो सीधे वो क्यों लिख दिए सर, तो इसे अच्छा ये लिख दिए हम, चलिए ये अच्छा है, ये वर्ब है, क्या है तो बोलिए क्या है, वर्ब है लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन दीजिए, नहीं इंग्लिश में क्या करें, हेट बोलिए। चौथा नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये क्या है, ठीक है, बहुत बढ़िया, दे ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये इसका हिंदी क्या करेंगे हम लोग, दे हेल्प अस, मतलब वे हमारी मदद करते हैं, इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है ना, वे हमारी मदद करते हैं, हेल्प का हो जाएगा, अस का हो जाएगा हमारी, हेल्प का मतलब होता है मदद करना और दे का मतलब है वे हमारी मदद करते हैं, ठीक है। चलिए आपका है बच्चा फाइव, फिफ्थ नंबर, आपसे आप क्या पढ़ने वाले थे, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्प पढ़ने वाले थे, पहले पढ़ो तो उसको, ही नो दिस, ही नो दिस, ठीक है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, दिस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और नो हो जाएगा, इसका हिंदी करो, यह जानता है, बहुत बढ़िया, वो यह जानता है, सही है, ठीक है ना, ये सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स पकड़ कर रखिएगा। आई लाइक रेड पेन,
ठीक है। मैं लाल कलम पसंद करता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट चुनिए। आई लाइक हो गया, ही और ये सब हो गया। ठीक है ना, रेड यहाँ पे कर रहा है। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। आई हेट यू, हाँ यू भी तो है, वो सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, वो सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा। लास्ट वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहला होता है, आई हेट यू। ओके, अगर पूछेंगे कि प्रोनाउन कौन कौन है, तो इसमें आई और यू दोनों प्रोनाउन है, ये बोल सकते हैं।